नमस्कार। परख के आज के इस अंक में मैं आपको दो प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दूंगा। ये दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, दोनों ही पश्चिमी जगत से संबंधित हैं, लेकिन उन दोनों ने ही भारत की राजनीति की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अगर हम भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता को, भारतीय राजनीति की जटिलता को समझना चाहते हैं तो हमें इनके लेखन से अवश्य ही गुजरना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि से हैं, उन्होंने इनके किसी न किसी लेख को या किसी न किसी पुस्तक को ज़रूर पढ़ा होगा। आमतौर पर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में राजनीति विज्ञान के भीतर जो भारतीय राजनीति से जुड़े पेपर्स होते हैं उनमें इनके लेख या इनकी पुस्तकों के अंश ज़रूर पढ़ाए जाते हैं। परख के आज के इस अंक में हम सुजेन और लॉयड रुडोल्फ के बारे में बात करेंगे। दोनों ने ही भारतीय राजनीति को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्रीकरण हमें दिए। उन्होंने बेहतर अनुसंधान करने के कई सारे जो पद्धतियां हैं वो हमारे सामने रखी। तो मेरी यह कोशिश रहेगी परख के आज के इस अंक में कि मैं आपको इनके जीवन और इनके काम के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे पाऊँ। सुजेन और लॉयड रुडोल्फ पति पत्नी थे और लॉयड रुडोल्फ का जन्म 1927 में हुआ था और सुजेन रुडोल्फ का जन्म 1930 में हुआ था। लॉयड रुडोल्फ शिकागो में जन्मे थे और जिंदगी के अपने जीवन के शुरुआती समय उन्होंने शिकागो में ही गुजारा। और अपनी पढ़ाई के बाद जब ये PhD कर रहे थे तो 1956 में इन्होंने अपनी PhD की और 1952 में इन्होंने सुजेन रुडोल्फ से विवाह किया। सुजेन रुडोल्फ के माता पिता दोनों ही राजनीति विज्ञान के ज्ञाता थे। हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD हासिल की थी। और इनके जो पिता थे सुजेन रुडोल्फ के, वो नाजियों की कैद में भी रहे थे क्योंकि वो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1939 में जब सुजेन 9 साल की थी तो इनका परिवार नाजियों के चंगुल से निकल गया, फिलाडेल्फिया आ गया और यहाँ पर फिर इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी की। और जब हार्वर्ड में उनकी मुलाकात लॉर्ड रुडोल्फ से हुई तो 1952 में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। और 1963 तक दोनों ने ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, वहाँ पढ़ाया। और फिर 1964 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में उन्हें और लॉयड रुडोल्फ को प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव मिला तो दोनों ही इस विश्वविद्यालय में आ गए। सुजेन और लॉयड रुडोल्फ की जोड़ी अकादमिक जगत के लिए इस अर्थ में अनूठी मिसाल रही है कि उन्होंने अकादमिक सहयोगियों के रूप में भारतीय राजनीति के बदलावों की समझ को धारदार बनाने में योगदान दिया है। और 2003-2004 में सुजेन रुडोल्फ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रहीं और 2014 में भारत सरकार ने सुजेन और लॉयड रुडोल्फ को संयुक्त रूप से पद्म भूषण से अलंकृत किया। अब अगर हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि 1967 में प्रकाशित हुई थी, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने ये रेखांकित किया कि आधुनिकता और परंपरा को बुनियादी रूप से विरोधाभासी समझने वाली मान्यता सही नहीं है और इसके स्थान पर आधुनिक समाजों में पाई जाने वाली आधुनिकता की जो गलत समझ है वह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं जाति जैसी, उन्हें बिल्कुल पारंपरिक मानने की ओर हमें ले जाती हैं और इसके कारण से आधुनिकता और परंपरा की ना सिर्फ गलत समझ बनती है बल्कि उनकी गलत व्याख्या भी दी जाती है। अपनी इस पुस्तक में दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप के बाहर के देशों की राजनीति यूरोप से भिन्न होने के बावजूद आधुनिक मानी जा सकती है। जाति जैसी बहुत सी पारंपरिक संरचनाएँ ऐसी भूमिका निभा सकती हैं जिसे पश्चिम में अमूमन आधुनिक समझा जाता है। और यह विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद के समय में चाहे रजनी कोठारी का जातियों का राजनीतिकरण का विचार हो या जाति में की जो भूमिका भारत की राजनीति में है उसके बारे में चर्चा हो, इन सब में जो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन
का जो विचार प्रस्तुत किया सुजैन और लॉर्ड रुडोल्फ ने, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, उसका एक महत्वपूर्ण सूत्र इनके इसी लेखन से मिलता है। यानी कि सुजैन और लॉर्ड रुडोल्फ ने एक ऐसा विचार तैयार किया, एक ऐसा आधार तैयार किया जिस पर बाद में भारतीय राजनीति की जटिलताओं को समझने का एक रास्ता बना। और उन्होंने कई अन्य पुस्तकों की रचना भी की। उन पुस्तकों की चर्चा करने से पहले मैं आपको इस बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि लॉयड और सुजैन रुडोल्फ बार बार इस चीज़ को पर जोर देते रहें कि अगर हमें भारत की राजनीति को समझना है तो पश्चिम की जो पद्धतियां हैं, अध्ययन पद्धति या मेथोडोलॉजी जो पश्चिम के द्वारा विकसित की गई हैं या पश्चिम के द्वारा जो अवधारणाएं विकसित की गई हैं वो पूरी तरीके से कारगर नहीं हैं। इसके स्थान पर भारत की जो स्थिति है या भारत के भीतर की जो राजनीति है उसको समझने के लिए यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार कुछ नए तरह की अवधारणाओं का विकास करने की ज़रूरत है। और जो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन का जो पूरा एक विचार सामने आता है उसको हम इसी के एक नतीजे के रूप में देख सकते हैं। यानी कि सुजैन और लॉर्ड रुडोल्फ ने जो हिंदुस्तान की हकीकत थी उसे हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की जटिलताओं को समझते हुए सामने रखने की कोशिश की। और दूसरे स्तर पर उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो एक अंतः अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होती है उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक तरह के डिसिप्लिन के दायरे में रहकर हम पूरी हकीकत को नहीं समझ सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग जो विषय हैं उनके माध्यम से हकीकत की या सच्चाई की या वास्तविकता की पूरी तस्वीर को सामने रखने की कोशिश की। और यह बात उनकी अलग तरह की जो विभिन्न तरह की रचनाएं आईं उसमें भी साफ तौर पर सामने आती है। और इसी के माध्यम से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल रहा है या भारत की राजनीति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे पश्चिम की धारणाओं से पूरी तरीके से नहीं समझे जा सकते। इस संदर्भ में हम 1987 में प्रकाशित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इन परसूट ऑफ लक्ष्मी द पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट का उल्लेख कर सकते हैं। रुडोल्फ द्वय यानी कि सुजैन और लॉयड रुडोल्फ ने स्वतंत्र भारत के राजनीतिक अर्थशास्त्र का विशद परीक्षण किया है इस पुस्तक में। किताब के शीर्षक में प्रयुक्त लक्ष्मी का रूपक भारतीय राज्य और यहाँ के नागरिकों की समृद्धि की चाह की अभिव्यक्ति है। इनके मुताबिक उत्तर औपनिवेशिक राज्य में भारत की स्थिति विरोधाभासी है। यह एक साथ विकसित और अविकसित, अमीर और गरीब तथा मजबूत और कमजोर है। रुडोल्फ द्वय ने मांग और नियंत्रण शासन व्यवस्थाओं यानी कि डिमांड एंड कमांड पॉलिटीज़ की अपनी सामान्य रूपरेखा के माध्यम से भारतीय अनुभव की विशेष परिस्थितियों की व्याख्या की है। इनके मुताबिक उम्मीदों के विपरीत भारत जैसे व्यापक असमानता वाले देश में कोई भी दक्षिणपंथी या वामपंथी राजनीतिक दल वर्ग आधारित राजनीति नहीं कर सकता। इसके बजाय भारत में निजी पूंजी और संगठित श्रम को एक तीसरे कर्ता यानी कि राज्य का सामना करना पड़ता है। राज्य के प्रभुत्व के चलते वर्गीय राजनीति हाशिए पर चली गई है। खुद राज्य ने केंद्राभिमुख सामाजिक बहुलवाद की निर्मिति में कारक की भूमिका अदा की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति की सर्वप्रमुख विशेषता भी है। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंधों का विश्लेषण करते हुए सुजैन और लॉयड रुडोल्फ ने यह विचार प्रस्तुत किया कि इस बात से भारत के आर्थिक प्रदर्शन पर हल्का फुल्का ही प्रभाव पड़ता है कि सत्ता सत्तावादी है या लोकतांत्रिक। इस किताब में रेखांकित किया गया है कि सामाजिक गोलबंदियों यानी कि सोशल मोबिलाइजेशन के बढ़ते स्तर और व्यक्ति केंद्रित शासन ने राज्य के सामर्थ्य और स्वायत्तता में कमी की है, उसका क्षरण किया है। लेकिन इसके साथ ही जो ये सोशल मोबिलाइजेशंस हैं उन्होंने आर्थिक फायदों और राजनीतिक सत्ता के ज़्यादा समतावादी वितरण को बढ़ाया है। तो इस लिहाज से ये खासतौर पे 80 के दशक में जो भारतीय राजनीति की या भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति के बीच की अंतरक्रिया की जो स्थिति थी उसे इन दोनों लेखकों ने बहुत ही प्रभावकारी तरीके से सामने रखा है। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने कई अन्य पुस्तकों की रचना की। 2006 में इन्होंने अपनी कृति पोस्ट मॉडर्न गांधी एंड अदर एसेज प्रकाशित की
और यह एक तरीके से इनकी जो प्रभावशाली किताब थी गांधी द ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ करिश्मा जो कि 1983 में प्रकाशित हुई थी, उसके कुछ तर्कों को और धारदार तरीके से उन्होंने अपनी इस नई किताब में प्रस्तुत किया। और उन्होंने ये रेखांकित किया कि गांधी परंपरा द्वारा आरोपित मूल्यों और व्यवहारों को तोड़ने के साथ ही साथ कई अन्य आयामों में ऊर्जा भरने में समर्थ थे। भारत और विदेश में गांधी के विराट प्रभाव को रेखांकित करते हुए इन लेखकों ने यह बताया कि ब्रिटेन में युवा गांधी रस्किन, थोरो और टॉलस्टॉय के विचारों में निहित आधुनिकता विरोधी पश्चिम से इतर विचारों को अपना रहे थे। एक पीढ़ी बाद प्रौढ़ गांधी ने अपने चिंतन और कार्यों के माध्यम से आधुनिकता के वर्चस्व को चुनौती दी। गांधी की 1909 में लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में दर्ज आधुनिक सभ्यता की समीक्षा उत्तर आधुनिक दौर के आगाज की तरह थी। सत्याग्रह के उनके सिद्धांत और व्यवहार ने परिस्थिति जन सत्य यानी कि सिचुएशनल ट्रुथ की उत्तर आधुनिक समझ को अभिव्यक्त किया। ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की कुछ प्रमुख पुस्तकें थीं, लेकिन इसके अलावा हमें जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे उनके कई तरह के लेखन की हमें जानकारी मिल जाती है, उसके बारे में भी जानने की ज़रूरत है। 2008 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 3 खंडों में रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की मुख्य कृतियों के संकलन को प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक एक तरह से उनके पूरे काम का निचोड़ है। इसका शीर्षक है एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी अ 50 ईयर परस्पेक्टिव। इसके अलावा इन्होंने कई अन्य पुस्तकों को संपादित किया। 1972 में इन्होंने एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्टडीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन तथा 1985 में एसेज ऑफ राजपुताना, रिफ्लेक्शंस ऑफ हिस्ट्री कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा प्रकाशित किया। 1999 में रिवर्सिंग द गेज, अमर सिंह्स डायरी, अ कॉलोनियल सब्जेक्ट्स नैरेटिव ऑफ इंपीरियल इंडिया तथा 2008 में मेकिंग यूएस पॉलिसी टुवर्ड साउथ एशिया कॉलन रीजनल इंपेरेटिव एंड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी जैसी किताबों का भी उन्होंने संपादन किया या कई लेखों को कई संकलन के रूप में ये चीज़ें प्रकाशित हुईं। जो चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है लॉयड और सुजैन रुडोल्फ के बारे में बात करते वक्त, वह यह कि ये एक ऐसे पश्चिमी विचारक या राजनीति वैज्ञानिक थे जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना दूसरा घर बनाया, यहाँ के लोगों से लगातार संपर्क कायम किया, उनके जो बच्चे थे वो भी यहाँ के माहौल में पले बढ़े, यहाँ की रीतियों, यहाँ की संस्कृति के बारे में वो जागरूक हुए। तो इस अर्थ में उन्होंने जो उनका अध्ययन का क्षेत्र था उसे पूरी तरीके से अपना लिया, और उसके बाद उन्होंने समय समय पर भारतीय राजनीति की व्याख्या करने के लिए कई तरह के सूत्रीकरणों को प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से जो हिंदुस्तान में रहने वाले विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं या राजनीति वैज्ञानिक हैं वो हिंदुस्तान की राजनीति की बेहतर समझ बना पाए। तो दोनों सुजैन और लॉयड रुडोल्फ एक ऐसे राजनीति वैज्ञानिक के उदाहरण हैं जो कि अपने अध्ययन के क्षेत्र से लगातार संबंध रखते हैं और उसके माध्यम से एक गहरे सूत्रीकरण को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दूसरे स्तर पर इन्होंने यह भी रेखांकित किया कि किसी भी बनी बनाई धारणा से जो कि एक समाज में बनती है आप दूसरे समाज को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, वहाँ की हकीकत, वहाँ की जटिलताएँ अलग किस्म की होती हैं। और तीसरे स्तर पर इन्होंने एक अंत अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो इस लिहाज से भारतीय राजनीति को कैसे समझा जाए या फिर जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं उसे कैसे समझा जाए उसके बारे में एक बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि हमें लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ के लेखन से मिलती है, और इसलिए इनके लेखन को पढ़ना और इनके जीवन के बारे में, इनके काम करने के तरीके के बारे में जानना भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। मेरी यह कोशिश रही है इस अंक में कि मैं आपको उनके जीवन और उनके कार्यों के बारे में बहुत ही संक्षेप में एक जानकारी दे पाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह की जानकारी इस अंक में मिल पाई होगी। परख के अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।